अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, आप लोग कैसे हो। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े का रेसिपी भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरा और एक पार्सल आया हुआ है, तो मेरा बहुत सारा पार्सल आ रहा है तो एक दो दिन छोड़ के, तो ये स्किन केयर का प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स नहीं शेयर कर रही हूँ, नहीं करूँगी अभी तक, क्योंकि मैं जब यूज़ करूँगी और मुझे अच्छा लगेगा, परफेक्ट लगेगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मैं टोटल आप लोगों के साथ नहीं दिखा रही हूँ, तो बहुत सारा पार्सल आ रहा है। और यहाँ पे और एक गिफ्ट आया है बच्चों के लिए, जो अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो बच्चे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं, तो ये इसमें बहुत सारा चॉकलेट्स हैं, तो ये सो आप ये रेसिपी देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने बोल लिया है, और आज मैं आप लोगों के साथ एक अंडे से मैं कपकेक की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, और अंडा जो है मैं बिग साइज़ के अंडा लिया है, और उसी के साथ मैंने हाफ कप शुगर लिया है, और शुगर को मैंने थोड़ा सा बीट किया है। और उसके बाद इसमें जाएगा मिल्क, मैंने यहाँ पे हाफ कप डाल दिया है, और उसी के साथ 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है, सनफ्लावर ऑयल, और सब कुछ को मैं बहुत अच्छी तरह से बीट किया है। और अभी इसमें एक छानी लिया है, और इसमें जाएगा 1 कप मैदा लिया है, और उसी के साथ मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, और पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाल दिया है। और सब कुछ डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो मैं किस तरह से कार्टन फोल्ड से मेथड से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये जो मिक्सिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी से अभी बेकिंग के लिए। तो आप लोग देख सकते हो मैं बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैदे को मैंने एक बार में नहीं डाला है, आप लोग देख सकते हो मैं 3 बार से डालूंगी, तो मैंने 2 बार डाल दिया है, और लास्ट का जो पोर्शन है वो भी डाल दिया है, और बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। और इसमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो उसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, तो ये आपके अंदाज़ा से डालिए। और साथ ही साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिया है, और सब कुछ डालने के बाद मैं फिर से मिक्स कर रही हूँ। और ये जो बेटर है बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है, और फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई काट नहीं किया है आप लोगों के लिए, तो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए कितना परफेक्ट बेटर बन गया है, तो उसी टाइप का बेटर हमें चाहिए इस आज की रेसिपी के लिए। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने तो टाइम लगा के एकदम शान से मैंने मिक्स किया है, और अभी स्पेचुला लिया है, उसी से ही मैं फिर से फाइनल मिक्सिंग करूँगी। तो जो बोल का साइड है उसको मैंने सबसे पहले क्लीन किया है, और बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और अभी मुझे चाहिए कपकेक मोल्ड जो मैंने लिया है, और इसमें अभी कपकेक लाइनर लगा रही हूँ। तो इस एक बेटर से हमें इस जो 8 कपकेक बन जाएगा, लेकिन जो मेरा जो मोल्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है, जो मैं घर के लिए बना रही हूँ। आप लोग अगर बिजनेस के हिसाब से बना रहे हो तो छोटा साइज़ का मोल्ड मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो आप लोग ख़रीद लीजिए, तो उसी से ही परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी बेटर से 10 कपकेक बन जाएगा, लेकिन मैं घर के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं बड़ा मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। और सारा बेटर मैं डाल रही हूँ, तो पूरा भर के नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो। और अगर पूरा भर के डालेंगे तो फूलने के बाद ऊपर से उठ जाएगा, तो इसलिए लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ के डाला है। और इसी बेटर से मेरा 8 कपकेक बन जाएगा, और छोटा मोल्ड होता तो 10 बन जाता है। तो इस तरह से मैंने डालने के बाद अच्छी तरह से टैप करके मैं ओपन में रख दूँगी, 180 डिग्री पर मैंने 15 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद हमारा जो कपकेक है बन जाएगा। तो यहाँ पे सारा बेटर हमने डाल दिया है, और उसके बाद मैंने बेक करके निकाल लिया है ओवन से, और देखिए एकदम परफेक्ट बेक हो गया है। और ये जो कपकेक है बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, और बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। इस तरह से बनाकर आप लोग बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, और घर में बच्चे इजीली खा लेंगे। तो इस तरह से मैं घर में बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए,
और यहाँ पे देखिए डिमोल्ड कितना इजीली हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल पाश कर लगाया था पहले से, जो लाइनर लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया था, तो इसलिए एकदम इजीली डिमोल्ड हो गया है। और यहाँ पे बन के रेडी हो गया है सारा कपकेक। तो अंदर का पोर्शन भी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाऊँगी तो कैसा बना है। तो ये एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है, आप लोग इस तरह से मेरा रेसिपी फॉलो करके बनाइए, बहुत परफेक्ट कपकेक बनेगा। और यहाँ पे मैंने तोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर कैसा बना है, जो आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया कपकेक बन गया है। एकदम इजीली मैंने सिर्फ एक अंडे से बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो इस तरह से आप लोग बनाइए। और आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।